पौराणिक काल में जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी या फिर किसी स्त्री का पति संतान उत्पन्न करने हेतु सक्षम नहीं होता था तो उस परिस्थिति में स्त्रियां किसी पर पुरुष से संभोग करके संतान उत्पन्न कर लेती थी। मजे की बात तो यह है कि वह संतान नाजायज नहीं अपितु जायज संतान कहलाती थी और उस संतान का पिता उसका जन्म देने वाला पिता नहीं अपितु उस स्त्री का पति उस संतान का पिता कहलाता था और समाज उसे सम्मान के साथ स्वीकार करता था। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप सभी देख रहे हैं फिनोजय और आज मैं बात करूंगा कि नियोग पद्धति क्या है और कैसे कोई स्त्री अपने पति के होते हुए या फिर पति के बिना, मतलब जब वो विधवा है उस समय वो किसी पर पुरुष से संतान कैसे उत्पन्न कर लेती थी और कैसे समाज उस संतान को स्वीकार कर लेता था। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार अगर कोई विवाहित स्त्री किसी कारणवश संतान को उत्पन्न करने हेतु और वंश को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं होती थी तो स्वतः ही उसके पति को दूसरे विवाह की अनुमति मिल जाती थी। यह अनुमति उसे सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक तीनों ही क्षेत्रों में मिल जाती थी। हालांकि वर्तमान समय में यह बहुत मुश्किल है, लेकिन एक समय वो भी था जब स्त्री को केवल भोग की वस्तु और वंश को आगे बढ़ाने का मात्र साधन समझा जाता था। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई पुरुष वीरहीन या फिर नपुंसक हो जाता था, वो संतान उत्पन्न करने हेतु सक्षम नहीं होता था तो उसकी पत्नी को संतान के जन्म के लिए एक विवाह करने की अनुमति तो नहीं मिलती थी, लेकिन गर्भधान करने हेतु उसे एक समगोत्री पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की सुविधा जरूर उपलब्ध करवाई जाती थी। इस सुविधा को नियोग के नाम से जाना जाता था, जिसका आशय किसी भी प्रकार की यौन आनंद से ऊपर उठकर केवल और केवल संतान को जन्म देने से होता था। नियोग के लिए किस व्यक्ति को चुना जाएगा इसका निर्णय स्त्री का पति करता था। नियोग भारतीय समाज में व्याप्त एक बेहद प्राचीन परंपरा है जिसकी उपस्थिति रामायण से लेकर महाभारत काल तक मिलती है। मनुस्मृति के अनुसार जब पति की अकाल मृत्यु हो जाती थी या फिर वह संतान को जन्म देने में सक्षम नहीं होता था तो स्त्री अपने देवर या फिर किसी समगोत्री उच्चकुल के पुरुष के द्वारा गर्भधारण करती थी। स्त्री अपने पति की इच्छा और अनुमति मिलने के बाद ही ऐसा कर सकती थी। सामान्य हालातों में वह केवल एक या फिर दो संतानों को ही जन्म दे सकती थी, लेकिन विशेष परिस्थिति में वह केवल चार संतानों को जन्म दे सकती थी। नियोग के नियम होते थे जिसके अनुसार पुरुष के शरीर में घी को चुपड़ दिया जाता था जिसके कारण उसका चेहरा बिगड़ जाए और दोनों के ही मन में काम वासना का संचार ना हो सके। स्त्री और पुरुष का केवल यही धर्म होता था कि वह अपने यौन आनंद के लिए नहीं अपितु केवल और केवल संतान को उत्पन्न करने हेतु ही समागम करें। पुरुष का यह धर्म होता था कि वह केवल स्त्री के साथ इसलिए समागम कर रहा है ताकि वह उसकी संतान उत्पन्न करने हेतु सहायता कर सके, और जैसे ही संतान उत्पन्न हो जाती थी पुरुष का यह धर्म होता था कि वह किसी भी प्रकार से उस स्त्री के साथ कोई भी संबंध ना रखे। नियोग भारतीय सभ्यता का एक विशेष अंग है। हम महाभारत की कल्पना नियोग के बिना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। विचित्र वीर की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी अंबा और अंबालिका के साथ वेदव्यास ने नियोग करके धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया था। ठीक इसी प्रकार जब महाराज पांडु संतान को उत्पन्न करने हेतु सक्षम नहीं रह गए थे तब उनकी ही आज्ञा से कुंती और माद्री ने देवताओं के साथ नियोग करके पांडवों को जन्म दिया था। अब मैं आपको गीता प्रेस गोरखपुर महाभारत से उदाहरण दे रहा हूँ, जिसमें जब विचित्र वीर की मृत्यु हो जाती है तब भीष्म सत्यवती को वंश को बढ़ाने के लिए एक सुझाव देते हैं। अब आप देखिए, भीष्म जी कहते हैं, माता, भारत वंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय है उसे मैं बता रहा हूँ, सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्र वीर की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। अब यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन किया है गया है गीता पुरुष गोरखपुर महाभारत में कि यहाँ पर गुणवान का अर्थ है नियोग की विधि को जानने वाला संयमी पुरुष। मनु महाराज ने स्त्रियों के आपद धर्म के प्रसंग में लिखा है, विधवा स्त्री के साथ सहवास के लिए पति पक्ष के गुरुजनों द्वारा नियुक्त पुरुष अपने सारे शरीर पर घी चुपड़ कर सौंदर्य बिगाड़ कर
वाणी को संयम में रख कर चुपचाप रहकर रात्रि में सहवास करें। विधवा में नियोग के लिए भी लिए विधि के अनुसार अर्थात कामवश न होकर कर्तव्य बुद्धि से चित्त को संयमित और इंद्रियों को अनासक्त रखते हुए नियोग का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर दोनों परस्पर पिता और पितृवधु के समान बर्ताव करें, अर्थात स्त्री उनको पिता के समान समझकर बरते और पुरुष उसे पुत्रवधु के समान मानकर बर्ताव करें। हालांकि कलयुग में मनुष्यों के असंयमी और कामी हो जाने के कारण नियोग वर्जित है। वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, जो अपनी संस्कृति के धार्मिक ग्रंथ हैं उसे ज़रूर पढ़ें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।